छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनत इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। विद्युत चेकिंग के दौरान विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी व संविदा कर्मियों की अभद्रता। खतौली तहसील के मोहल्ला सदीक नगर में दिनांक 10 अक्टूबर सुबह लगभग 5:30 बजे विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी व संविदा कर्मियों की टीम बिजली चेकिंग के लिए सदीक नगर मोहल्ले में पहुंची। टीम में एक्सन व एसडीओ और जेई व संविदा कर्मियों ने मिलकर नासिर के घर पर पड़े केबिल को देखकर दरवाजे को बिना खटखटाए दीवार फांद कर सीधा अंदर घुस गए। घर में महिला स्नान कर रही थी। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी व संविदा कर्मियों की हरकत को देखकर घर वालों व मोहल्ले वालों में आक्रोश आ गया। विद्युत विभाग के अधिकारियों को समझाने के बावजूद वे नहीं माने और संविदा कर्मियों के अधिकारियों ने वहीं पर गाली गलौच और बदतमीजी शुरू कर दी। हाथापाई करने लगे विद्युत विभाग के अधिकारी और संविदा कर्मियों की हरकत ने विद्युत विभाग को शर्मसार कर दिया। पीड़ित ने नजदीक जाने में जाकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई, किंतु विद्युत विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए अपनी सफाई देने में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे वो 4-5 आदमी थे वे दीवार के तरफ चढ़ने थे और जैसे हमने देखा वहाँ वो करी तो हाथापाई करी। उन्होंने बाद में बोला कि हम लाइट यहाँ पे सुबह से लाइट गायब है। दो घरों का ये मसला है और इसमें हम सारे पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह से परेशान है। यहाँ पे बस सर ये हुआ था, सुबह 4 बजे बिजली वाले आए थे और वे मतलब बिना कुंडी खटखटाए वे छत पर। जब आपकी टीम जांच के लिए गई मोहल्ले में आलू मिल पे, आज जैसा कि खतौली में जो लाइन ना सही है बहुत ज़्यादा है, 50% से ऊपर है जी। और जिसके दिशा निर्देशन में, जिसको कम करने के दिशा निर्देशन में टीम गठित कर इस टीम का नेतृत्व स्वयं हमारे अधिशासी अभियंता महोदय कर रहे थे जी। और हम लोग सदीक नगर मोहल्ले में जांच के लिए पहुंचे जी। और कुछ मोहल्ले के कुछ लोगों का विद्युत चोरी पकड़े जी। और इसी जांच को जारी रखे थे। उसी समय मोहल्ले का ही एक आदमी आया और अनावश्यक रूप से अपना विद्युत चोरी बचाने के लिए एक हमारे संविदा कर्मियों से उलझने लगा और मारपीट चालू कर दिया जी। क्या आरोप लगा? आरोप कुछ भी नहीं, आप लोग जांच के लिए आ जाते हो जबकि हमारा मजबूरी है बिजली चोरी रोकना, हमारा दायित्वों में है और हमारा मेन सेवा भी है ये जी। जिसके चलते हमें बिजली चोरी रोकने के लिए हमें बार बार मोहल्लों में जाना पड़ता है, जांच करना पड़ता है ताकि बिजली चोरी पे अंकुश लग सके। लेकिन इस चीज़ों को पब्लिक के द्वारा उल्टा ले जाया जा रहा है और कुछ लोग बहुत पूरी पब्लिक इसमें सहयोग कर रही है लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं जो कि इस तरह का कार्यवृत्ति कर रहे हैं ताकि हमारी जांच प्रभावित हो जाए, हम लोग बिजली चोरी पे कोई कार्रवाई न कर सकें, इस तरह का कार्यवृत्त किया जा रहा है। नाम बताएं। डॉक्टर मोहम्मद असर, पौर सभासद, सदीक नगर। आज जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है क्यों हुई है, क्या मामला है? मामला है जो इनसे मोहल्ले वालों से जानकारी मिली, सुबह 4:30 बजे करीब 5 लोग ढांटा बांध के छतों पे चढ़ रहे थे। वो किसी लेडीज ने देख के रुक के उतार दिया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। 2 लोग उसमें पकड़ लिए गए, उसमें एक बिजली वाले जुल्फकार थे, उसे वो सभासद के पास ले गए, उन्होंने उसे छुड़वा दिया। उसके बाद पूरे मोहल्ले की लाइन काट दी गई। मेरी एक्शन साहब से बात हुई, एसडीओ साहब से बात हुई दिन में, मगर भाई पूरे मोहल्ले की लाइन को काटी आपने, जिस गली से या जिस घर वाले से दिक्कत है उसकी लाइन काट दो। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम अभी 1 घंटे में चालू कर देंगे, लेकिन अब तक अब ना तो वो फ़ोन उठा रहे हैं और ना लाइट काटी गई थी। कितने सुबह 4:30-5 बजे से लाइट गायब है। उसके बाद 11 बजे सड़क पे से 3 जंपर हैं हमारे यहाँ जो आ रहे हैं। अब किस अधिकारी से बात? अभी एक्शन साहब से बात हुई, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया था और अब फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे वो। और 1100 जो इनका कंप्लेंट नंबर है उस पर कम से कम 50 लोगों ने कंप्लेंट भी कर ली। और 3 जंपर में से एक जगह की लाइट आ रही है सिर्फ, और 2 लाइन काट रखी उन्होंने। मोहल्ले वालों का कहना है या तो सारी काटी जा,
मामला सब किया क्या परिवार का था और लाइन कितने लोगों की? मामला तो कुछ परिवार का था ही नहीं, चोरी की तो कोई रिपोर्ट ही नहीं हुई। मामला तो चोरी का कि चोर घर में घुस गए, मामला तो यह था क्योंकि जो ना उनके साथ महिला थी ना कोई पुलिस थी, अगर बिजली वाले थे वो उनके साथ कोई लीगल वे में नहीं आए थे वो लोग।